ये आप देख रहे हो ना, ये जो मैं जूस निकालती हूँ उसको अच्छे से सुखा के एज अ खाद या फिर कंपोज, ये जो बोलते हैं पौधों के लिए, उसे यूज़ करती हूँ। तो आप भी अगर किसी चीज़ का जूस निकालते हैं ना, इसमें लौकी, बीटरूट, आंवला, हर किसी का जो मिक्स है ना, तो इस तरह से मैं सुखा दिया करती हूँ। और ये सॉस का बॉटल, सॉस ख़त्म हो गया क्योंकि मैं टेट्रा पैक मंगवाती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं इस बॉटल को जब भी खाली होता है धो देती हूँ। इसको धोया था तो इसको जस्ट मुझे फैलाना है। सबसे पहले ये कपड़ा उठा लेती हूँ क्योंकि ये मोटा है ना, तो सूखने में, ऐसे तो समर्स में बहुत ईजिली सूख जाते हैं। दो चादर धोया था, एक इधर फैलाया है, तो हम लोग ऐसे नीचे ही फैलाते हैं क्योंकि और कहीं स्पेस नहीं है, और बरसात में तो पूरा ऊपर का एरिया, इसीलिए आपको ये सब दिख रहा होगा ना, यहाँ पे हम लोगों को फैलाना पड़ता है। जो है सरसों का तेल अपने सर में लगाया है, बिल्कुल मैं चंकुश राम लग रही हूँ। तो अभी जो है बस पोनीटेल करूंगी, आज ना बिल्कुल बाल बांधने का मन नहीं हो रहा। पता नहीं, मेरा यहाँ पे ना बहुत हेडेक लाइक होता है ना, कभी कभी आपको बहुत हेडेक होता है, तो यहाँ पे मुझे आज बहुत पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो अभी सारे काम हो गए हैं बस। अरे अरे, ये देखो इन लोगों की मस्ती ना, ईशु खाना बाकी है, बाकी सारे काम हो गए हैं। आलू चलो बाहर चलो। क्या हो रहा है देखो, आलू का पकौड़ा जैसा जो नाक आप देख रहे हैं ना, पकौड़ा जैसा नाक पे एक मिर्ची का जो है बीज लगा हुआ है। आलू का नाक और मम्मा का नाक एक है ना, मम्मा का भी तो नाक पकौड़ा जैसा है, देखो गोल गोल सा नाक है मम्मा का भी, मुझे अपना नाक बिल्कुल पसंद नहीं, क्या करूँ यार, बट रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ। क्या हो गया अरू? ये देखो चावल चढ़ा के आराम से सोफा पे बैठ के टीवी देख रही थी, एंड ये देखो क्या हालत हो गई। इसे कहते हैं डबल डबल काम होना। अब चावल गिर गया ना, जब तक मैं इसको पोछूंगी नहीं ना, मेरे मन को सुकून नहीं मिलेगा। मेरी बहुत गंदी आदत है, मैंने गैस ऑफ करा, चाहती तो मैं ऐसे खाना बनाते बनाते ना क्या होगा, पूरा सूख जाएगा एंड ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको बस फटाफट मैं साफ करके दोबारा से चावल चढ़ाऊंगी। दिया था कि मम्मा मुझे बहुत कम चावल चाहिए, मुझे ज्यादा चावल नहीं चाहिए। एक्चुअली आज उन्होंने हेवी नाश्ता किया था, दही पराठा, अगेन तो लोगों का पेट जो है पूरा भरा पड़ा है। एंड मैं बच्चों को इसी तरह ना लाइक कटोरे में खाना दिया करती हूँ ताकि वो ज्यादा गिराए ना, क्योंकि थाली में वो अभी हैबिचुएटेड नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे मेरे पास है, जो आपने देखा है ना, मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली थाली। ये देखो, इसमें मैं उन लोगों को रोटी एंड सब्जी देती हूँ, बट चावल के लिए जो दो तीन खन होते हैं ना, दाल से अलग सेपरेट से एंड सब्जी अलग, इस तरह से उन्हें मैं अगर दूंगी ना, तो उन्हें खाने की जो है हैबिट पड़ेगी, तो जल्दी से बच्चों को खाना। सो आज का खाना सिंपल सा चावल, ड्रमस्टिक की सब्जी एंड ये साग और फ्लैट बीन्स देखे बनाई है, एंड ये ढेर सारा सलाद, क्योंकि सलाद अपने खाने में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 एंड मैं बैल्कनी में थोड़ा सा बैठ के लाइक रिलैक्स हो रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने पौधों के पास में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड यहाँ बैठने से मुझे बहुत अजीब सा सुकून मिलता है। तो जब भी मैं फ्री होती हूँ मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। तो अभी थोड़ा सा डिटॉक्स वाटर जो मैंने बनाया था, सुबह में मुझे समय नहीं मिला तो मैं नहीं पी पाई, तो इस तरह से मैंने बॉटल से ट्रांसफ़र कर लिया है ग्लास में, तो इसे मैं 2 टाइम पीती हूँ। तभी मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, घर का काम करके 2 चैनल को संभाल के, जब आप मीन्स अगर आपकी बॉडी एनर्जेटिक नहीं रहेगी, आप मेंटली स्टेबल नहीं रहोगे ना, ये सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ मैं ब्लॉग पे बहुत मेहनत कर रही हूँ, अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मैं ग्रो हो पाऊँ यूट्यूब पे। कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉगिंग के थ्रू आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। सी, ब्लॉगिंग के चलते सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए जो चीज़ें नहीं है वो मैं नहीं कर सकती हूँ, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, जो मेरी रेगुलर लाइफ है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो अगर आपको ये मेरी सिंपल सी साधारण सी लाइफ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो अभी जितने सारे जो आप बुक्स देखे हो ना, इसको मुझे नीचे देने के लिए जाना है, एक शॉप है, क्योंकि देखो घर में उतनी जगह है नहीं कि मैं पुराने बुक्स को रख पाऊँ।
तो एंड बुक सेल करना मुझे पसंद नहीं है, तो एक नीचे शॉप वाले भैया है मैं उनको दे देती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ, वो ऐसे देखो इस तरह लेते नहीं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपको जो भी देना है इसके बदले में, मीन्स जो मोदी भैया है जो राशन का सामान रखते हैं, तो मैं पूजा का कुछ सामान ले आती हूँ ये बुक्स दे के, तो अभी मैं उनको बुक्स दे दूँगी क्योंकि ये एरिया इतना ज़्यादा क्लटर लग रहा है ना, मैं रोज़ सोच रही हूँ कि आज जाऊँगी कल जाऊँगी परसों जाऊँगी, तो फाइनली आज मैं अभी नीचे से दे के आती हूँ। एंड मुझे कुछ सामान लाना है, ग्रॉसरी का जो ख़त्म हो चुका है, तो बस एक दो सामान लाना, जिसे ऑनलाइन में नहीं ऑर्डर करूँगी क्योंकि ऑफलाइन भी देखो हमें कुछ खरीदना चाहिए, मीन्स दोनों को मिक्स करके इस तरह लाइफ को बैलेंस करके रखना चाहिए। तो चलो इस बुक्स को भी मैं दे के आती हूँ। जो है अपना शाम का नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं, है ना अरु, क्या खा रहे हो आंटी इसको बताओ? चौकोस। दोनों को पसंद है चौकोस? हाँ। एंड रिशु की तो मुच्छी भी दिखना स्टार्ट हो गई है, अभी 5 में चला जाएगा, लेकिन हर को तो अभी भी बिल्कुल सिंचान वाली हरकत है, सिंचान देखता भी है, सिंचान के जैसे हरकतें भी करता है। इतनी ज़्यादा गर्मी है यार, शाम के समय मैं सुबह से इसलिए नहीं जा रही थी ना कि गर्मी है एंड आज घर में शॉर्ट ड्रेस पहन के रखा था, तो नीचे जाना पड़ता है, तो लेगिंग्स डालना पड़ता है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था नीचे उतरने का, बट अभी पवन सुबह सुबह चले जा रहे हैं तो सब कुछ मुझे मैनेज करना पड़ता है। मूढ़ी मीन्स कहाँ कहाँ पे उसको क्या नाम से बोलते हैं, कोलकाता में तो उसको मूढ़ी बोलते हैं, झाल मूढ़ी यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। पहले कल रिशु स्कूल जाएगा क्योंकि परसों अरु का वीक में भी 3 डेज किया है स्कूल वालों ने स्कूल, तो अभी देखो इसके मतलब 5 डेज कब होते हैं, अभी तो 3 डेज हो जाता है, तो कल से रिशु के रेगुलर क्लासेस है क्योंकि वो क्लास 5 में चला गया है, तो वो सीनियर हो गया है अब, तो उसका जो है रेगुलर मीन्स मंडे टू फ्राइडे रेगुलर है स्कूल, तो कल से उसका स्कूल जो है रीओपन हो रहा है। तो ये पपाया लाई हूँ कि बच्चे सुबह सुबह देखो पराठा एंड ये सब तो खा के जाएंगे, यानी तो कुछ फ्रूट या फिर कभी मैं सत्तू का घोल यही सब पिला के भेजती हूँ ताकि थोड़ा एनर्जेटिक फील हो सारा दिन। ये 2 बिस्किट के पैकेट मैरी, क्योंकि मेरे बच्चों को ना दूध बिस्किट से ज़्यादा वो लोग पानी में डिप करके खाते, पानी बिस्किट उन्हें पसंद है, तो वो जो ऑयली वाला जैसे टॉप वगैरह में ना थोड़ा ऑयल रहता है तो वो उतना अच्छा नहीं लगता खाने में, तो ये 2 बिस्किट के पैकेट लाई है। ये देखो ये जो भाजी के साथ खाते हैं ना पाव, आप इसे 20 से कट करके ब्रेड में से चाय के साथ खाओ ना। हाँ तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो हालांकि ये मीन्स हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है, ब्राउन ब्रेड जो रहता है वो अच्छा रहता है, लेकिन कभी कोई नहीं कभी कभी चलता है, तो ये ब्रेड ले आई हूँ। एंड कोलकाता में मूढ़ी ये ब्रेड ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है, लाइक आलू चॉप मीन्स बहुत बहुत यहाँ पसंद किया जाता है। मैं भर के लाइक मैगी लेके आई हूँ ताकि मेरा वन हाँ रोज नहीं वीक में सिर्फ वन खाना नहीं है कच्चा मैगी खाएंगे। तो ये मैं इतना सारा मैगी लेके आई हूँ क्योंकि स्कूल खुलते हैं ना यार, तो मुझे स्टॉक में रखना पड़ता है, कुछ भी नहीं रहा फटाफट कुछ बना दो, लेकिन मैं मैगी वीक में एक दिन से ज़्यादा नहीं देने वाली हूँ। उसका तेल टेट्रा पैक भी हमेशा मैं लाती हूँ, हमेशा अलग अलग ब्रांड के, तो इसके बाद वो लोग एक एक बनाना खा लेंगे शाम का, उन लोगों का 1 मिनट रिशू लो शाम के लोगों का नाश्ता हो जाएगा, तो सुबह एंड शाम के 2 टाइम में यार मुझे बहुत हेडेक रहता है कि बच्चों को क्या दूँ, मतलब बहुत देखो रोज रोज तो बच्चे एक ही चीज़ नहीं खा सकते हैं। एंड ये पिंक सॉल्ट, क्योंकि मैं हमेशा पतंजलि का ही ये सॉल्ट यूज़ करती हूँ, तो एंड ये पिंक सॉल्ट है, पिंक सेठा नाम जो बोलते हैं ना, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये लाई हूँ मैं। जस्ट मैं चाय बनाऊँगी एंड मजे से उसमें ब्रेड को डुबोंगी और खाऊंगी। मम्मा मुझे ब्रेड से खाओ। नहीं तुम अगर चौकस खा लिया चाय के साथ ब्रेड नहीं मिलेगा, ऐसे ही ब्रेड से कवा खाना है वो खा लेना। ठीक है दे देंगे, क्योंकि अभी लोग दूध पिया तो दूध के बाद तो चाय, ऐसे भी मैं लोगों को चाय नहीं देती हूँ, कभी कभी बहुत रे है वो भी, मैं आप लोगों को साथ बार में सिगरेट शेयर करूंगी जैसे हर एक मामा करती है ना वो। हाँ मालूम है। हाँ क्या मालूम है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुमको बोलेगा मतलब कि थोड़ा सा दूध मिक्स करते हैं उसके बाद थोड़ी कलर के लिए चाय मिक्स करते थे, यही तो। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग सीक्रेट है, मम्मा लोग समझ गई है। कौन कौन सी मम्मा को समझ में आया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो आज से जो है रिशु के रेगुलर स्कूल स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए फोन नहीं चला पा रहा, सुबह सुबह फोन में लग गया है। कैसा लग रहा है रिशु स्कूल स्टार्ट हो रहा से? अच्छा लग रहा है। उसके तो वीक में 3 डेज है, बट इसके तो मंडे टू लाइक फ्राइडे है इसके क्लासेस, तो अभी बस ये रेडी हो गया है एंड थोड़ी देर में स्कूल के लिए निकलेगा।